हेलो, वेलकम टू तनिषा व्लॉग। अभी मैं आ गई हूँ ये कटहल की सब्जी बनाने मटन स्टाइल। इसके लिए मैं यहाँ पे कटहल को छील के धो के पानी में डाल दी हूँ और यहाँ पे इसके लिए मैं प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ। अब मैं बनाऊँगी कटहल की सब्जी मटन स्टाइल। अब यहाँ पे मैं पॉट डाल दी हूँ, ये गर्म हो गया है। इसमें मैं सरसों की तेल डाल दी हूँ, देख सकते हैं तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का के लिए सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी ये 3-4 तेज़पत्ता और ये खड़ा मसाला, थोड़ी सी जीरा और 2-3 टुकड़ा सूखी लाल मिर्च का। अब मैं डालूंगी इसमें ये प्याज डाल दी मैं। अब इसमें डालूंगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस सबको मैं अच्छे से मिक्स करके फ्राई करूंगी। देखिए ये प्याज अब थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ये नमक। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला और मसाला में मैं ले ली हूँ यहाँ पे ये धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी अब। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये कटी हुई टमाटर और साथ ही में डाल दूंगी मैं बस थोड़ी सी 1 कप पानी। और अब मैं इस सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। देखिए मैं सबको मिक्स कर दी। अब मैं इसमें डालूंगी ये कटहल, देख सकते हैं ये पानी में डाल के मैं रखी थी। अब इसमें मैं इस कटहल को गिरा दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये कटहल। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ। अब इसको मैं मसाले के साथ मिक्स कर दी हूँ। अब इस पर ढक्कन डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी जब तक ये तेल छोड़ेगा। और बीच बीच में मैं इसको चला के देखती रहूंगी। चलिए एक बार मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। देखिए ये फ्राई हो रहा है अच्छे से। अब मैं इसको एक बार और चला देती हूँ। देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, चला दी हूँ और ये अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, अभी तेल नहीं छोड़ा है, लेकिन प्याज टमाटर सब गलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। तो मैं इसको फिर से ढक दूंगी और पकने दूंगी। देखिए ये अच्छे से अब पक गया है, कटहल भी और मसाला भी तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं कितना मस्त कलर भी लग रहा है। और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। मैं इसमें डालूंगी ये ग्रेवी के लिए पानी। अब थोड़ी सी पानी डाल के पहले मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें और पानी डालूंगी। देखिए मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी। अब मैं इसको ढक के फिर से पकाऊंगी। ढक दी मैं। देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब ये सब्जी रेडी है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये मेरा सीक्रेट मसाला है, मैं इसको मिक्स कर दूंगी इसमें। और अब मैं डालूंगी इसमें ये हरी धनिया कटी हुई और अब मैं इस सबको मिक्स कर दूंगी इसमें अच्छे से। अब ये मेरी मटन स्टाइल कटहल की सब्जी बनके रेडी हो गया है। कटहल भी अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं कलर भी मस्त लग रही है। तो इस तरह से कटहल की सब्जी बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू।